तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स का यह हमारा प्रथम वीडियो है, इसलिए प्रथम वीडियो में आज हम यह जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का कुल कितना बुक है और हमें इकोनॉमिक्स किस प्रकार से पढ़ना है, जिससे हम बिहार बोर्ड में कम से कम एक यानी इकोनॉमिक्स विषय में 80 प्लस नंबर ला करके चले आएँ। ठीक है, कम से कम 80 प्लस नंबर लाना ही लाना है, हमें इस तरह से पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें बुक का, तो इकोनॉमिक्स का आपका दो बुक है। ठीक है, प्रथम बुक इस प्रकार से दिखेगा, हालांकि मेरा पुराना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्रथम बुक है व्यष्टि। ठीक है, और प्यारे बच्चों, दूसरा बुक है जिसपे जिंद लगा हुआ है, फिगर नहीं दिखाएगा, दूसरा बुक है जिसका नाम है समष्टि। ठीक है, समष्टि। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहला बुक हो गया व्यष्टि और दूसरा बुक क्या हो गया? समष्टि। यानी पूरे ट्वेल्थ में आपको दो ही किताब पढ़ना है, पहला समष्टि व्यष्टि पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है? तो समष्टि पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आज हम यह समझेंगे कि आखिर व्यष्टि क्या होती है और समष्टि क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे कि हम किस प्रकार से पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड में हम अच्छे मार्क्स उठा पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम व्यष्टि की बात करें तो व्यष्टि का मतलब क्या होता है? तो व्यष्टि का अर्थशास्त्र में मतलब निकलता है कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना। ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन हम किस भाग में करते हैं? तो प्यारे बच्चों, व्यष्टि भाग में करते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप बताइए कि छोटी छोटी इकाइयाँ क्या हो सकती है? जैसे देखिए, जैसे हमारा छोटा इकाई हो सकता है आय, यानी एक आय का गणना करना, यानी सिर्फ मेरा, जब सिर्फ मेरा आय का गणना होगा किसके अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चों? यह आएगा व्यष्टि के अंतर्गत। ठीक है, कर, सिर्फ एक व्यक्ति का कर की गणना होगा, यानी कि सिर्फ मेरा कर का अध्ययन होगा, तो यह क्या हो जाएगा? व्यष्टि के अंतर्गत हो जाएगा। उद्योग, यानी सिर्फ एक उद्योग की गणना होगा, जांच किया जाएगा, तो किसके अंतर्गत? व्यष्टि के अंतर्गत। इसी प्रकार रोजगार, सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ इकाईवध तरीके से रोजगार का गणना होगा, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? व्यष्टि के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, जब हम इसी चीज को एक व्यापक ढंग से क्या करते हैं, एक बड़े पैमाने पे अध्ययन करते हैं या जांचते हैं, तो यही पाठ सारा का सारा किसके अंतर्गत चले आता है? समष्टि के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि प्रथम भाग में हम सिर्फ छोटी छोटी इकाइयों को देखेंगे और द्वितीय भाग यानी द्वितीय बुक में हम इसी चीज को क्या करेंगे? व्यापक तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आय का व्यापक तौर पे क्या हो सकता है? तो आय का व्यापक तौर पे हो सकता है राष्ट्रीय आय, यानी पूरे देश का आय। आप प्यारे बच्चों बताइए, पूरे देश का आय का हम गणना करने के लिए क्या करेंगे? पूरे देश में जितने भी नागरिक रहते हैं, सभी नागरिकों की आय की गणना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी तो हम राष्ट्रीय आय को जांच पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, हम पूरे संपूर्ण देश में जितने व्यक्ति रहते हैं, सभी देश की आय का गणना करते हैं, इसलिए उसको को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, और आय में सिर्फ एक किसी व्यक्ति का हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार कर, यानी जब हम संपूर्ण देश के कर का अध्ययन करेंगे, वह किसके अंतर्गत आएगा? समष्टि के अंतर्गत। उसी प्रकार उद्योग, पूरे देश भर का जो उद्योग है उसकी गणना करेंगे, तो किसके अंतर्गत आएगा? समष्टि के अंतर्गत। इसी प्रकार रोजगार, अभी मांग बहुत जोर से आना चल रहा है, यदि पूरे देश भर में रोजगार की गणना करेंगे, यानी हम कुल रोजगार भी इसको हम लोगों ने कह सकते हैं कुल रोजगार, तो ये कुल रोजगार किसके अंतर्गत प्यारे बच्चों आएगा? समष्टि के अंतर्गत आएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि व्यष्टि क्या होती है, समष्टि क्या होती है। आपका अर्थशास्त्र में कितना बुक? दो बुक, एक व्यष्टि, तो व्यष्टि का मतलब छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करेंगे, चाहे कुछ भी हो, आय हो, कर हो, उद्योग हो, रोजगार हो, मांग हो, ठीक है, कुछ भी रहे, छोटी इकाई रहे व्यष्टि के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, बड़ी इकाई रहे समष्टि के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मांग, कुल रोजगार, कुल व्यापार, ठीक है, ये सारा सारा क्या हो गया प्यारे बच्चों?
समष्टि के अंतर्गत हो गया। तो प्यारे बच्चों आज हम समझ गए कि हमारे पास दो बुक है और दो बुक में क्या क्या बातें हैं। तो प्यारे बच्चों इसलिए हम क्या करेंगे, आप सभी को सर्वप्रथम व्यष्टि बताएंगे, यानी कि आपका जो प्रथम बुक है व्यष्टि, हम आपको व्यष्टि पढ़ाएंगे। क्योंकि पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे तभी तो ना बड़े पैमाने पर सीखने में आसानी होगा, इसलिए हम पहले छोटे तौर पे सीखेंगे यानी व्यष्टि को, यानी व्यष्टि किताब पहले पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे तो समष्टि किताब पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो प्यारे बच्चों किताब का पूरे डिटेल लेना हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि आपको बिहार बोर्ड में किस प्रकार से पढ़ना है। प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड में इकोनॉमिक्स का गैस क्वेश्चन, ठीक है, गैस क्वेश्चन की यदि हम बात करें जो हमारी संस्था जारी करती है, देखिए सब्जेक्टिव तो टकरा जाता है, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अर्थशास्त्र में नया नया बना करके आपके सामने रखा जाएगा, यानी ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसे कभी आप देखे नहीं हो। कितना प्रतिशत में, यह लगभग ऐसा होता है, यानी कि समझिए 50% ऑब्जेक्टिव लगभग नया बना करके आपके सामने रखेगा, यानी कि ऐसा जो कि कभी ज़िंदगी में रिपीट नहीं किया हो, तो जाहिर सी बात है नया देगा। तो जब तक आप अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं किए होंगे इसे आप अच्छे से बना नहीं सकते, इसलिए अन्य सब्जेक्टों की तुलना में अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसलिए आपको क्या करना है, SPPD बुक लेना है। SPPD का जितना भी नॉमरिकल होगा वो रट जाना है, घोर करके पी जाना है। ठीक है, इतना रिवीजन करना है कि घोर करके पी जाना है SPPD का, और यथासंभव अदर कोई पब्लिकेशन का बुक हो। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर हम पढ़ाएंगे आप वस्तुनिष्ठ पर ज़्यादा फोकस करिएगा, सब्जेक्टिव तो पूरा का पूरा टकरा जाएगा, पूरा मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कल से मैं आपको चैप्टर प्रारंभ करूँगा, व्यष्टि का प्रथम चैप्टर क्या है तो प्यारे बच्चों परिचय। ठीक है, तो कल से मैं क्या करूंगा कि व्यष्टि का प्रथम चैप्टर परिचय प्रारंभ करूंगा। ठीक है, यदि आप सभी का मन हो तो हम आज से भी शुरू कर सकते हैं, बस कमेंट करके जल्दी बता दीजिएगा, आज से कहिएगा तो हम आज से ही एक घंटा बाद चालू है ना कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।